डिप्रेशन का बादल मेरा पीछा करने लगा। जब भी बादल छाता तो मैं एक खालीपन सा महसूस करने लगती और जिंदगी सुस्त हो जाती। ये बादल बेवजह और बेमौका अचानक मेरे सर पर मंडलाने लगता। डिप्रेशन के बादल की मौजूदगी में मैं अपनी उम्र से ज्यादा दिखने लगी। जब बाकी दुनिया जिंदगी का मजा ले रही होती, मुझे हर तरफ अंधेरा ही नजर आता। मेरा जी हर चीज से उचाट हो गया। मेरी भूख मिट गई, मेरी याददाश्त जाती रही और मैं किसी चीज पर तवज्जो नहीं दे पाती। इस बादल की मौजूदगी में मुझे कोई भी काम करना पहाड़ जैसा लगता। लोगों में उठने बैठने की तो हिम्मत ही नहीं रही। मुझे ये डर लगने लगा कि कहीं लोगों को पता ना चल जाए। अगर लोगों को पता चल गया तो ना जाने मेरे बारे में क्या क्या बातें करेंगे। इस डर से मेरी ज्यादातर ताकत अपने डिप्रेशन को छुपाने पर सर्फ होने लगी। ये एक इंतहाई थका देने वाली चीज थी। डिप्रेशन का बादल मुझे मनफी बातें कहने और करने पर मजबूर करने लगा। मैं लोगों से चिढ़ने और घबराने लगी। मैं अपने जज्बात को छुपाने और उनको दबाने की आदि हो गई। सुबह होते ही मनफी ख्यालात मेरे इर्द गिर्द मंडलाने लगते। सारे दिन की मुशक्कत के बाद थक कर बुरा हाल हो जाता। डिप्रेशन की अलामत सिर्फ थोड़ा सा उदास होना ही नहीं बल्कि जज्बात और एहसासात से आरी होना भी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, ये बादल और गहरा होता गया और हर वक्त मेरे सर पर मंडलाने लगा। मेरी तमाम दर कोशिशों के बावजूद डिप्रेशन का बादल मुझे अपने घेरे में लेने लगा। हाथ पैर छोड़ देना आसान लगता और हिम्मत करके उठना मुश्किल हो गया। आखिरकार मैं अपने आप को बिल्कुल तनहा महसूस करने लगी। डिप्रेशन के बादल ने मेरी जिंदगी को मुझसे छीन लिया था। जब जिंदगी की सारी खुशी निचोड़ ली जाए तो फिर जिंदगी का क्या मकसद रह जाता है। मगर उस वक्त खुदा का फजल हुआ और मैं कोई सहारा ढूंढने लगी। ये मेरी बेहतरी की तरफ पहला कदम था और मेरी जिंदगी का अहम मोड़। मुझे ये मालूम हुआ कि मेरी ही तरह के हजारों लाखों लोग इस डिप्रेशन का शिकार हैं। मुझे ये भी पता चला कि कोई जादू की छड़ी इसका इलाज नहीं कर सकती। किसी को दवाओं से मदद मिलती है तो कोई किसी और तरीके से बेहतर होता है। मुझे ये भी पता चला कि दिल बंद करने से नहीं बल्कि उन लोगों के सामने अपना दिल खोलने से बहुत सकून मिलता है जो आपसे मोहब्बत करते हैं। सबसे जरूरी चीज वो खुद एतमादी थी कि अब मैं इस बादल से डरने के बजाय इसका मुकाबला कर सकती हूँ। जहन पर जितना बोझ होगा इतना ही ये बादल गहरा होगा, इसलिए अपने जहन को पुरसकून करना जरूरी हो गया। ये बात तो तय है कि बाकायदा वर्जिश दिमाग को पुरसकून रखने के लिए इतनी ही कारामद है जितनी के दवाएं। अपनी कैफियत को डायरी में कलम बंद करना मुफीद साबित हो, इससे मुझे अपने जज्बात को समझने में मदद मिली और ये भी याद दहानी होती रही कि मुझे जिंदगी ने कैसी कैसी नेमतें अता की है। सबसे अहम बात ये पता चली कि बादल जितना भी गहरा हो, दुरुस्त इकदामात करने से और सही लोगों से बात करने से ये बादल छट सकता है। डिप्रेशन का बादल तकलीफ देता लेकिन मुझे बहुत कुछ सिखा गया। मुझे अपनी जिंदगी का जायजा लेने और इसको आसान बनाने का मौका मिल गया। मुझे पता लगा कि जिंदगी के मसाइल से भागने के बजाय इनका सामना करना ही अकलमंदी है। डिप्रेशन शायद मेरा कभी भी पीछा ना छोड़े लेकिन अब मुझे इससे डर नहीं लगता। हम दोनों ने जैसे समझौता कर लिया हो। मुझे इस बादल को दूर करने के लिए
बहुत अच्छे तरीके आ गए। अगर आप भी किसी ऐसे मुश्किल में हैं, तो मदद लेने से ना घबराएं और ना ही शर्माएं, और अपनी हंसती मुस्कुराती जिंदगी को फिर से गले लगाएं।